अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहरुख और ये है पोर्ट्रोनिक्स का साउंड ड्रम प्लस ब्लूटूथ स्पीकर। और यह एक 15 वॉट का स्पीकर है दोस्तों, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है, कमाल है। एंड इस प्रोडक्ट को मैं इस्तेमाल कर रहा हूं पिछले कई दिनों से, तो मैं आज आप लोगों को इसका अनबॉक्सिंग दूंगा और इसका फुल रिव्यू दूंगा कि आखिर ये कैसा, और आपको बताऊंगा कि बाय करना चाहिए या नहीं। तो इस प्रोडक्ट को बिल्कुल भी आप लोग मिस मत करिएगा दोस्तों, बहुत ही एक्साइटिंग और ज़बरदस्त साउंड क्वालिटी वाला ये प्रोडक्ट मुझे लगा है। लेकिन सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, वरना पैसा ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को मिस कर जाएंगे। तो गाइस अगर बात कर ले सबसे पहले बॉक्स पैक के बारे में, तो ये बहुत ही सिंपल सा बॉक्स पैक में आता है, स्क्वायर शेप में बॉक्स है एंड इसके ऊपर कुछ स्पेसिफिकेशंस लिखी हुई है दोस्तों, और पीछे में प्राइसिंग वगैरह दिया गया है। लेकिन जैसे इस बॉक्स पैक को ओपन करेंगे तो अंदर में आपको सबसे पहले एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल मिल जाएगा, जो कि सिखाएगा कि कैसे इसे ऑपरेट करना है। एंड उसके बाद आपको यह साउंड ड्रम प्लस ब्लूटूथ स्पीकर मिल जाएगा। जैसे ही दोस्तों आप इस स्पीकर को बाहर निकालेंगे, फर्स्ट इंप्रेशन में ही आपको यह स्पीकर की क्वालिटी जबरदस्त लगेगी दोस्तों। आप इसे हाथों में पकड़ेंगे तो आपको फील होगा कि जी हाँ, आपने कोई प्रीमियम प्रोडक्ट यहाँ पे पकड़ा हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर के साइड में आपको एक सिंगल बटन दे दिया गया है। ये जो सिंगल बटन है ये है दोस्तों बेस पे स्विच करने के लिए। तो इसमें आपको दो अलग अलग इक्वलाइजर मिल जाते हैं, बेस और ट्रेबल का। और सामने के साइड में आपको यहाँ पे चार बटन मिल जाते हैं, ऑन ऑफ का बटन है, वॉल्यूम प्लेबैक का बटन है दोस्तों, और यहाँ पे प्ले पॉज का भी बटन है। एंड उसके बाद नीचे के साइड का जो बेस है दोस्तों पूरा का पूरा रबर दिया गया है, ताकि ये ज्यादा हिले डुले नहीं अगर आप फुल साउंड में सुने। एंड यहाँ पे दोस्तों आपको एक पोर्ट दिया गया जो कि सील्ड पोर्ट है दोस्तों, जिसके अंदर में आपको कुछ अलग अलग पोर्ट्स हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे एक 3.5 mm जैक मिल रहा था यहाँ पे ऑक्स इन पोर्ट के लिए। एंड यहाँ पे आपको एक USB पोर्ट मिल रहा था आपको पेन ड्राइव लगाने के लिए, एंड एक USB-C पोर्ट मिल रहा है इसे चार्ज करने के लिए। तो जी हाँ दोस्तों, ये USB-C के साथ में आता है, बिल्कुल ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ में, तो ये काफ़ी ज़्यादा कमाल की बात है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से याद है दोस्तों, इसमें आपको ब्लूटूथ 5.0 भी मिलता है एंड साथ ही साथ ये IPX5 सर्टिफाइड भी है, यानी कि ये एक तरह से वाटर रेसिस्टेंट है दोस्तों। तो थोड़ा बहुत वाटर स्प्लैश करते हैं तो आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होनी है, तो आउटडोर के लिए भी तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा बन जाता है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक USB-C वाला केबल मिल जाता है बॉक्स पैक में। लेकिन चलिए बात कर लेते हैं कि आखिर ये कैसा है। तो गाइस बिल्ड क्वालिटी के मामले में मैंने आपको बताया ना, जबरदस्त है इसकी बिल्ड क्वालिटी, बवाल है दोस्तों। तो सबसे पहले इसकी जो फीलिंग है वो बिल्कुल ही प्रीमियम फीलिंग है दोस्तों, बहुत ही हेवी ये स्पीकर है एंड बहुत ही अच्छा बिल्ड क्वालिटी है दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त लगता है देखने में। एंड कहीं से भी दोस्तों थोड़ा सा भी ये चीप फील नहीं होता, ऐसा लगता है जैसे बहुत ही ज्यादा प्रीमियम प्रोडक्ट आप यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हो। ड्यूरेबिलिटी के मामले में भी दोस्तों बहुत ही अच्छा है ये। तो चलिए अब डायरेक्टली बात कर लेते हैं इसके साउंड क्वालिटी के बारे में कि आखिर इसका साउंड क्वालिटी मुझे कैसा लगा। तो गाइस इसका जो साउंड क्वालिटी है वो एक नंबर लगा दोस्तों, जबरदस्त लगा, बवाल लगा। क्योंकि दोस्तों इसमें आपको मिलता है 15 वाट का बड़ा सा स्पीकर और ये 360 डिग्री साउंड को प्रोवाइड करते हैं, यानी कि राइट से लेफ्ट से दोस्तों आपको पूरी साउंड प्रोड्यूस होगी। तो अगर आप इसे रूम के सेंटर में रख देते हैं तो आपके पूरे रूम को ये पूरी तरह से दोस्तों यहाँ पे साउंड कर देगा, बहुत ही ज़्यादा लाउड साउंड इसमें आपको मिल जाता है। 15 वाट होने की वजह से दोस्तों इसमें बहुत ज़्यादा लाउड भी है एंड बहुत ही ज़्यादा बेस भी आपको मिलता है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा बेस चाहिए तो आपको सिंपली ऊपर के बटन को टैप करना है एंड ये बेस मोड पे चला जाएगा। एंड तब तो इतनी ज़्यादा बेस आती है कि ये जो है मेरे टेबल पे रखे रखे इतनी अच्छी बैक में ग्रिप होने के बावजूद दोस्तों ये लेफ्ट राइट हिलने लगता है, तो ये इतना तगड़ा बेस के साथ में आता है। लेकिन हाँ, जिनको ज़्यादा अच्छी म्यूज़िक सुनना है दोस्तों यहाँ पे, जिसमें ट्रेबल भी अच्छा है, तो आपको इस बटन को बस ऑफ रखना है एंड उसके बाद आपको बहुत ही बैलेंस साउंड आएगी, ट्रेबल बहुत ही अच्छी आएगी एंड उसमें भी आपको बेस अच्छा मिलता है, जो कि ओवरऑल बहुत ही ज़बरदस्त साउंड यहाँ पे सुनने में लगता है। मैं इसे ऑफ रख करके ही दोस्तों ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि कमाल का यहाँ पे ऑडियो क्वालिटी आता है, सॉन्ग वगैरह सुनने के लिए जबरदस्त है दोस्तों। एक और चीज़ दोस्तों मैंने नोटिस की कि मैं इस प्राइस रेंज में जितने भी स्पीकर्स को इस्तेमाल किया हूँ, उनमें से सबसे ज़्यादा क्लैरिटी दोस्तों मुझे इसी के स्पीकर में लगी। एंड ये एक छोटा सा दोस्तों स्पीकर होते हुए इसमें आपको 15 वाट की पावर दी गई है, जो कि इसे एक यूनिक स्पीकर बनाता है दोस्तों। एंड लाउड होने की वजह से आप अगर सिंगल स्पीकर भी इस्तेमाल करते किसी बड़े से रूम में रख करके भी, तो भी आपको साफ साफ दूर दूर तक दोस्तों यहाँ पर सुनाई देगा। सच में बहुत ज़्यादा लाउड है, ये सिर्फ आप सुन करके ही पता लगा सकते हैं दोस्तों। मैं एक्सपेक्ट
नहीं कर रहा था कि 15 वाट का स्पीकर इतना ज़्यादा लाउड हो सकता है। सो दिस इज़ टोटली अमेजिंग दोस्तों। उसके अलावा दोस्तों इसमें आपको माइक भी मिल जाती है, तो अगर आपको कॉल वगैरह लेना है तो आपको फ़ोन को डिसकनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी के माइक से बात कर सकते हैं। एंड मैंने इससे बात भी किया दोस्तों माइक में लगा करके, मुझे काफ़ी अच्छी लगी इसकी माइक की क्वालिटी, सामने वाले को अच्छे से समझ में आ जा रही थी, तो कोई भी वहाँ पर प्रॉब्लम नहीं हो रहा था। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसके बैटरी बैकअप के बारे में। तो इसमें आपको 2500 mAh का बैटरी मिलता है दोस्तों, एंड इतनी बड़ी बैटरी है इस वजह से दोस्तों ये काफ़ी अच्छा बिल्कुल हाई साउंड पे भी 5 से 6 घंटे तक का आपको बैकअप दे देता है। इसमें दोस्तों 15 वाट का स्पीकर यूनिट है जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा पावर इसको चाहिए, इस वजह से दोस्तों यहाँ पे ये 5 से 6 घंटे तक का आपको ईजिली बैकअप दे देता है, जो कि काफ़ी अच्छी है दोस्तों। हाँ, अगर आप लो साउंड में सुनते हैं, जो कि बेसिकली आप करना चाहेंगे, आप हमेशा तो पूरा फुल वॉल्यूम में नहीं सुनेंगे वरना पड़ोसी जाग जाएगा दोस्तों, तो लो साउंड में अगर आप सुनते हैं तो जी हाँ, उससे ज़्यादा भी आपको बैटरी बैकअप दे सकता है ये। तो ओवरऑल ये जो प्रोडक्ट है मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, मैं ओवरऑल इसे 4.7 out of 5 star दे सकता हूँ दोस्तों, अगर आप हर एक एस्पेक्ट में बात कर ले। अगर बात कर ले इसकी प्राइसिंग के बारे में दोस्तों, तो ये आता है लगभग 2500 रुपये में, एंड 2500 रुपये में सच में ये वन ऑफ द बेस्ट ब्लूटूथ स्पीकर जो कि है मैंने इस्तेमाल किया है दोस्तों, ज़बरदस्त ब्लूटूथ स्पीकर है। लेकिन मैं आप लोगों के लिए एक कूपन कोड भी छोड़ दूंगा जिसमें आप लोग 15% ऑफ पा सकोगे इस ब्लूटूथ स्पीकर पर, तो आपकी प्राइसिंग लगभग 2200 या फिर उससे भी नीचे चली जाएगी दोस्तों 15% ऑफ करने के बाद में। तो आई रिकमेंड दोस्तों कि आप लोग मेरे डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिएगा, कूपन कोड चेक कर लीजिएगा अगर आप लोग इसे बाय करना चाह रहे हैं। तो आई होप कि आपको हमारी ये आज की वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे वीडियो लाइक से कमेंट कीजिएगा। मैं रोजाना आप लोगों के लिए दोस्तों ऐसे ही जबरदस्त जबरदस्त गैजेट्स को लेकर के आता रहूंगा, एंड ऐसे ही आप लोगों को अलग अलग गाने सुनाता रहूंगा। थैंक यू दोस्तों, बाय।